इस साल तो मलयालम फिल्मों के लिए बिल्कुल गोल्डन ईयर चल रहा है। वैसे तो 2024 अभी आधी हुई है, लेकिन इसी दौरान हमें आवेशम, द गोट लाइफ और अब मंजुमल बॉयज जैसी मास्टरपीस फिल्में देखने को मिल रही है। तो चलिए हम आपको मंजुमल बॉयज फिल्म को बनते हुए दिखाते हैं। फिल्मिंग लोकेशंस। मंजुमल बॉयज फिल्म को खास बनाती है उसका शूटिंग लोकेशन। फिल्म के डायरेक्टर चिदंबरम जी को शूटिंग लोकेशन ढूंढने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि जो वास्तव में गुना केव है वह 900 फुट गहरा है, जहां शूटिंग करना पॉसिबल तो नहीं था। एक्चुअल में यह हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शूटिंग की परमिशन लेनी पड़ी थी। उनकी टीम ने गुफा के 80 फीट डाउन तक का मेजरमेंट लिया था। टेक्स्चर एंड डिटेल समझने के लिए उन्होंने फोटोग्राफी किया। प्रॉपर मेजरमेंट के लिए लेजर और लाइडर स्कैनिंग भी किया गया था। इसके बाद फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर अजयन चलिसरी ने गुना केव का एक रिप्लिका बनाया, जो फिल्म का मेजर शूटिंग लोकेशन था। इसके लिए केरल के पेरुम्बवूर में सालों से बंद पड़ी एक गोदाम में सेट बनाया गया था। आपको अगर याद हो तो आपको बता दूं कि मैंने पुष्पा फिल्म की BTS सीन में दिखाई थी कि किस तरह थर्मोकोल से चंदन के लकड़ियों को बनाया गया था। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर गुना केव के बड़े बड़े पत्थरों को बनाया गया। ये कोई असली पत्थर नहीं था, बल्कि फाइबर, थर्मोकोल और फोम से बने हुए पत्थर जैसे दिखने वाली आकृति थी। इस सेट को बनाने में पूरे 3 महीने लगे थे। ये 17 फीट ऊंचा था। लाइडार स्कैनिंग के कारण ये सेट एग्जैक्ट कॉपी था रियल केव का। ये 10% बिग भी था। ये इसलिए ताकि कैमरा और बाकी इक्विपमेंट इसके अंदर अच्छी तरीके से मूव हो सके। केव सीन्स शूटिंग। गुना केव एक आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि तमिलनाडु के कोदैकनाल के मजेस्टिक हिल्स पर बसा है। इसकी एलिवेशन 7,218 फिट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग एक स्टूडियो के अंदर हुई थी, बट ऐसा भी नहीं था, इसकी रियल लोकेशन की शूट हुई ही नहीं थी। एक्चुअल में फिल्म मेकर ने गुना केव के पास शूट भी किया था। केव के आउटसाइड और फॉरेस्ट वाले पार्ट को वहां जाकर शूट किया था। इसके लिए प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ी थी। डायरेक्टर चिदंबरम जी ने कहा कि गुना केव के पास सुबह 5 से 9 बजे की शूटिंग परमिशन मिली थी, क्योंकि 9 बजे के बाद वहां टूरिस्ट आने लगते थे। सुबह सुबह जाकर के सारे इक्विपमेंट सेट करने में ही आधे से ज़्यादा समय लग जाता था। इस तरह कई दिन लग गए थे वहां छोटे छोटे पार्ट को शूट करने में। केव्स में हादसे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बंद करवा दिया था। यही चीज हमें इस मूवी में भी देखने को मिला था कि साइन बोर्ड रहते हुए भी यह बॉयज उसे इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से वह यहाँ नीचे गिर जाता है। यह सच्ची घटना 2006 की थी। इसी रियल इंसिडेंट के लगभग 18 साल बाद हमें 2024 में फिल्म देखने को मिली। फिल्म के डायरेक्टर चिदंबरम जी ने एक बार तो रियल बॉयज को ही फिल्म में कास्टिंग करने का मन बना लिया था, बट इससे वह उस लेवल की एक्टिंग नहीं दिखा पाते जैसा कि वह अपने दर्शकों को एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे। डायरेक्टर ने ट्रिब्यूट के लिए रियल मंजुमेल बॉयज का एक कैमियो रखा था। एक्चुअल में स्टार्टिंग में शादी फंक्शन में हमें वो दिखे थे, जिससे इन फिल्म वाले मंजुमेल बॉयज की लड़ाई हो जाती है और उनके बीच रस्साकशी भी होती है। एक तरफ तो ये कलाकार होते हैं, बट दूसरी तरफ जो टीम जीत जाती है वह एक्चुअल में रियल मंजुमेल बॉयज ही थे। यह रियल मंजुमेल बॉयज की तस्वीर है। जो खाई में गिरा था उसका नाम सुभाष रहता है, इस कैरेक्टर को श्रीनाथ भासी ने किया है। यह रियल मंजुमेल बॉयज के सुभाष की असली तस्वीर है। वहीं कोटन, जो कि गुफा में उतरता है सुभाष को बचाने के लिए, इस किरदार को सोबीन शाहिर ने किया है। यहाँ आप रियल कूटन की तस्वीर देख सकते हो। ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपको बता दें कि मंजुमेल बॉयज इकलौती ऐसी फिल्म है मलयालम इंडस्ट्री की जिसने 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मार्क को क्रॉस कर दिया है। इसकी बजट केवल 20 करोड़ रुपए थी, जिसमें से आधे पैसे तो केवल सेट बनाने में खर्च हो गए थे।
बाय द वे, अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिए।